संडे स्पेशल में आपका स्वागत। कुवैत में सारे लोग, ईस्ट कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया में, जो लोग विदेश में रहते हैं, जिनका बिहार से, बिहार के रूट है, हम तो बिहारी हैं ना, तो इसीलिए सफर भारी है। और किसका क्रेडिट आपको जाता है कि जिस तरह से आप प्रथम यूट्यूब ब्लॉगर हैं जिसने बिहार के बारे में बहुत अच्छी सारी बातें, जो गाथा है, जो यहाँ के अनसंग हीरो रहे हैं, आइकन्स रहे हैं, उनके बारे में जो आप बताते हैं या उनका जो चित्र दर्शन करते हैं, वो बड़ी बात है। आज मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मेरे लिए खुशी की बात है कि सात समुंदर पार रह करके जो वीडियो हमारा देखा करते हैं बिहार के डेवलपमेंट का, आज वो हमारे साथ है। जी हाँ, हमारे एक व्यूअर, हमारे एक प्रशंसक, बहुत अच्छे कलाकार से आज मुलाकात हुई है। कुवैत से ये यहाँ पर आए हुए हैं, कुवैत में रहते हैं, वैसे पैतृक घर इनका यहीं पर है, ये लंगरतोली इलाका है जहाँ पर इनका अपना पैतृक है। इनके अनुभवों को शेयर करते हैं, सात समुंदर पार वाले मेरे बारे में और मेरे विश्व के बारे में क्या सोचते हैं, क्या करते हैं वहाँ पर, इनके बारे में इनकी सूक्ष्म परिचय इनका लेते हैं। इनके मित्र भी यहाँ पर आए हुए हैं और हम भी यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर देखिए, जाना पहचाना चेहरा नीरज जी हमारे साथ हैं और ये बताएंगे, आज मिलेंगे सर आपका। नमस्कार, सबको नमस्कार और सलाम, वाहेगुरु और गुड इवनिंग टू यू सब लोगों को। और मैं अपनी श्रद्धा और प्रेम बिहार वालों को, बिहार के वासियों को, बिहार के जो लोग जहाँ जाएँ उनको नमन करता हूँ। सर अपना नाम तो बताएं। मेरा नाम सैयद अहमद शबी है और मैं ब्रेड और बटर के लिए और अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए मैं कुवैत में रहता हूँ। वहाँ पर एक कंपनी है मल्टीनेशनल एयरटेक करके, उसी के इसमें हूँ, अकाउंट सेक्शन में एनपीएफ परफॉर्मिंग, एनपीएफ ग्रुप में हूँ, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हमारा अकाउंट सेक्शन होता है। जो प्रोजेक्ट, जो आप इंटरनेशनल प्रोजेक्ट चलता है या कंपनी का जो प्रोजेक्ट चला हो उसी। सर कैसे हमारे वीडियो, कैसे मतलब मेरा वीडियो आपके मोबाइल में कैसे आ गया? मैं तो आपको बहुत पहले से प्रशंसा कर रहा हूँ, उसका रही रहा हूँ जी। आई एम ए ग्रेट एडमायर ऑफ यू। प्लेजर सर, इट्स माई प्लेजर, आई एम इन फ्रंट ऑफ यू ऑल्सो। कि भाई जब मैंने देखा कि बिहार का प्रथम पहला जो बिहार के बारे में, धरती वही है हमारी, मानसिक जो रसदी है, जो एक जो हमारे जो आपके लिए कीड़ा है वो निकलने के लिए आप जिस तरह से उसका ब्रेन वॉश कर रहे हैं, वो बड़ी बात है। बिहार को आप जहाँ तक बाहर तक ले जाते हैं, ये बड़ी बात है, ये और कोई नहीं करता। अपनी धरती को, अपनी माँ को, जो पूर्वजों से जो दफन है, जो विलीन हो गए, जिनको जलाया गया, आप उन्हीं के बारे में, उनकी के बारे में विदेश में भी जाके और बिहार के बारे में, ये आपने बड़ा बड़ा किया है। और लोगों की दुआएँ आप, धरती बुरी नहीं हो रही, हमारा बिहार तो बाहर में, ये कैसे? मगर जिस कैनवस पर आपने दिखाया पुल के, इसमें जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मेडिकल कॉलेज बन रहे, बड़े बड़े मॉल बन रहे, सब राजीव का दिखाते रहते हैं, सोनपुर दिखाते रहते हैं, ये मेट्रो हो रहा है, ये तो विकास की एक गाथा है, ये तो चक्र जो चलता रहता है। तो ये कैनवास से मतलब जो बिहार को देखने का नज़रिया था वो बदल गया? बिल्कुल बदल गया। बिहार, मैं तो कहता हूँ विकास के पथ पर आगे चलते हैं। हम तो आज इतने साल बढ़ रहे हैं और आपके माध्यम से बिहार जो है प्रगतिशील बिहार नज़र आ रहा है, मैं ये कहूँगा। एक मेरे वीडियो के माध्यम से और दूसरा खुद अपनी नज़रों से आप देखते हैं बिहार को जी। और तो किसका क्रेडिट आपको जाता है कि जिस तरह से आप प्रथम यूट्यूब ब्लॉगर हैं जिसने बिहार के बारे में बहुत अच्छी सारी बातें, जो गाथा है, जो यहाँ के अनसंग हीरो रहे हैं, आइकन्स रहे हैं, उनके बारे में जो आप बताते हैं या उनका जो चित्र दर्शन करते हैं, वो बड़ी बात है। आपको मानसिकता बदलनी पड़ेगी और उसमें आपको कुवैत में सारे लोग, ईस्ट कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया में, जो लोग विदेश में रहते हैं, जिनका बिहार से, बिहार के रूट्स है, हम तो बिहारी हैं ना, तो इसीलिए सफर भारी है प्रेम। तो चाहे वो नज़रिया जो भी हो, वो दोस्त कौन है जो कुवैत में हमें पसंद करते हैं आपके साथ? मेरे साथ हैं शाकिर साहब हैं, अभय कश्यप साहब हैं, अरुण सिन्हा साहब हैं, विवेक हैं। हमारी तो एक ये कल्चरल सोसाइटी है, यूट्यूब में जाके देखें, गूगल में मौर्य कला परिसर करके, एम के मौर्य कला मंच, तो वहाँ आपको मैं सबको ऐड करता रहता हूँ।
कोई भी आपने भेजा कि मेडिकल कॉलेज बन रहा है हाजीपुर में, देखिए आपने भेजा था, मैं वैसे ही व्हाट्सअप कर देता हूँ, फॉरवर्ड कर देता हूँ। अब सब लोग वाह वाह वाह, अब ऋषि कोई काम करता है, ये बड़ी बात है, कौन करता है इसका? और जिस हिसाब से मैं दे रहे विदाउट एनी एग्जिस्टेंस, विदाउट एनी कॉस्ट और कुछ नहीं। अब बिहार का प्रेम, जब आपका बिहार का प्रेम है तो भारत का प्रेम, ये दृश्य नजर आता है। बिल्कुल, बिहार के इमेज को बनाने के लिए तो थोड़ा सा आपने बहुत बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जो लोग नकारात्मक सोच रखते हैं वो अब बदले। एक बार बिहार में जिस तरह से मैं तो साल डेढ़ साल में रहता रहता हूँ, और जिस तरह से आप डेवलपमेंट का काम करते रहते हैं, और ये गाते इतनी मन से खुशी होती है, एक साथ समुंदर पार जो बैठा है और आपके जरिए यूट्यूबर पर देखता है, कितना खुश होता है कि भाई हम जब पहले का जो रहता डार्क टेंट जिसको कहते हैं डार्क एरिया, उसको बदल के आज लाइट है, बिजली है, और जैसे प्लांट बन रहे हैं, पेप्सी का प्लांट, कौन कहता है कि बिहार में फैक्ट्री नहीं है? वो तो दिखाने वाली बात है जो आप दिखाते रहे। जी जी, तो आपको बिहार को पहचाने के लिए एक बिहारी बनना पड़ेगा जो आपके माध्यम से। ये सब सौभाग्य, हम तो बस कोशिश किए थे। और आपकी दिलचस्पी ज़्यादा है इसमें, और दिलचस्पी के माध्यम से हम लोगों को भी उत्सुकता होती है कि हम देखें बिहार को। अपनी धरती इतनी खूबसूरत है, और इतना आप रोहतास का देख ली, काकोला दिखाते हैं, क्या नई मंजर दिखाते हैं, और क्या बचा जिस तरह से बिहार की खूबसूरती को, मेरा मन और तन खूबसूरत होने के विचार। सर कभी ये बन हुआ कि कुवैत में आपने मेरा वीडियो देखा और उसके जस्ट बाद आप पटना आ गए और देखने आए कि मतलब कि इंद्रसेन जी जो बताए थे और यहाँ जो दिख रहा है, ये देखने की इच्छा हुई कि कितना अंतर है या फिर क्या है? बहुत अंदर है, उसका डेवलपमेंट मैं देखता हूँ सामने, विजिबिलिटी जो जो एग्जिस्टेंस नज़र आता है, जो सब्सटेंस है जो सामने नज़र आता है, वो नज़र आता है आपके वीडियो से, जो आप जो चित्र दर्शन करते हैं। आपके आपके मित्र यहाँ पर हैं। हाँ। सर आपने, मुझे तो नहीं लगता है कि आपने मेरा वीडियो देखा होगा पटना में रहकर। मैं हमेशा बताता रहा हूँ। आप बताते हैं लेकिन फिर भी ये नहीं देखे होंगे? नहीं देखे हैं ना, नेचुरली है, क्योंकि मेरे व्यूअर टारगेट ऑडियंस ये लोग हैं जो बाहर रहते हैं। हाँ, तो सर ये बिहार के जो लोग बैठे हुए हैं उनको उनको पहले देखना चाहिए, ये सब चीज़ नहीं, ये आप जिस तरह से पेश प्रस्तुत कर रहे हैं दिस वे इज अ वेरी पॉजिटिव साइड, वी हैव टू थिंक पॉजिटिव। अगर हम मानसिकता को नहीं बदलेंगे और नहीं अभी भी बदल रहे तो समय टाइम है, वो तो चला जाएगा सर, वो फिर कुछ नहीं। फिर होता क्या है ना कि आजकल देख रहे हैं कि नेगेटिव वीडियो दिखाने वाले का चैनल ज्यादा ग्रो कर रहा है। हाँ, देखिए ना, वो तो चलता रहेगा। हाँ हाँ, ज्यादा ग्रो कर रहा है, और जो पॉजिटिव जैसे हम दिखाते, तो मेरा चैनल नहीं, बहुत धीरे धीरे लोग ही पसंद करते हैं। आपको तो गल में जो मैं है मेरे पास गल में आपको सारे लोग जानते हैं, मैं आपको इतना सवाल मेरा खुद ही वहाँ पर कल्चर मौर्य कला परिषद मौर्य डायनेस्टी जो रही उसी के नाम मौर्य का भी बिहार से ताल्लुक था। जी जी जी, चंद्रगुप्त और ये तो आप तो खुद ही है, तो आपको लोग वहाँ ज़्यादा विदेश में ज़्यादा देखते हैं, जो प्रवासी हैं उनको ज़्यादा मोहब्बत होगी। ये तो बैठे हुए बेचारे अपने ब्रेड बटर के लिए लोकल लोग, और जो मानसिकता बदल चुके हैं, जो बिहार से प्रेम करते हैं वो बाहर ही चले। सर आपने कहा कि आप रंगमंच से जुड़े हुए हैं, मौर्य कला परिषद से आपने ये संस्था ही रखा है। जी जी, उसमें हम लोग सब लोग हैं, सब लोग हैं। तो सर वो जो है आपने कौन कौन सा प्ले किया है? मैंने किया था अशोका का, किया है अशोका, शेरशाह का किया है शेरशाह, हाँ, और फिर चंद्रगुप्त का किया, फिर बिहार डे पर हम लोग वहाँ का प्रोग्राम किया, बिहार डे पर वहाँ करते हैं। ये पॉइंट है, बिहार दिवस यहाँ पे मनाया जाता है साल में एक बार, और ये लोग भी वहाँ पे बिहार जाते हैं। सब लोग सुजीत सिन्हा हमारे खानदान से अच्छा दोस्त, उसका दूसरा रहमान जो अदायक कश्यप जो आजाद रबीरगंज समाधान करेगा वो उसके प्रेसिडेंट है, तो इस तरह हम और पब्लिक कमेटी है। जी जी, वो आज को देखने के बाद साक्षात भी आप मेरा प्रणाम है, असलाम है, जो भी कह दिए, जो भी खूबसूरत पर अल्फाज के लिए शब्द के लिए कुछ दुआएँ होती हैं, ब्लेसिंग ब्लेसिंग या ब्लेसिंग ब्लेसिंग की बहुत ज़रूरत है हमें, और इन्होंने कह दिया कि कमिंग वो आ रहा है, आ चुका है, आ चुका है। आप देखिएगा, आप वाकई में
मैं बोलना नहीं चाहता, आप छोटे भाई हैं, आप छोटे भाई ही हैं, और वैसे मैं प्रस्तुत करता हूँ, मैं आपके मन में बड़ा हूँ, मगर जो चीज़ आप जो बिहार में दिखाया चित्रदर्शक हो तो अलमोल अमूल है, और जैसा कि बिहार बदल, हम तो बिहार को बदलते हुए हम वो नब्बे का भी एरा या हमको बोलना नहीं चाहिए, इन सब की बात को ठीक है, जो समय रहा समय की बात हर के बिहार खुशियाँ नजर आती है, हर आदमी लोग साउथ की गाड़ जाते थे, हम तो कहते हैं बिहार की जाते थे, आप उसके अंदर कॉलेज दिखा रहे हैं, कौन है इधर है इधर है हाजीपुर है और महुआ है, हो हमको कैसे मालूम हो गया, छपरा है हाँ छपरा है, हर जगह का सुंदर दिखाया आपने। मैं आपको बता दूँ, जिस मोटिव को लेकर के हमने चैनल बनाया था वो मोटिव आज हमको दिख रहा है, वो मोटिव मेरा सफल हो गया। मैं तो दुआ करता हूँ इंशाल्लाह ऐसे ऐसे लोग हम हर दौर में खड़े हों, हर नगर और हर मोड़ पर नजर। मैं धन्यवाद, मैं तो उनको देख के, मेरे ये छोटे भाई भी हैं, और जब इनके पिताजी का देहांत हुआ तो मैं थोड़ा गमगीन भी हो गया, थोड़ा मुझे अल्लाह ताला आपको और सुखी और दुखी और ताकतवर बनाए कि आप जो इंद्र की शक्ति रही वो आप मेरे छोटे भाई हैं। मैं आपसे बहुत था कि मैं इंडिया जब भी जाऊँगा पता खाऊँगा मैं आप, और ये मुलाकात निरंतर चलती रहेगी। हाँ, क्योंकि एक तो ये इनके मुंह का काम हम कर रहे हैं, दूसरा ये कलाकार है और हम भी कलाकार हैं, और हम भी पटना इफ्का से जुड़े हुए रहे हैं और प्रयास से जुड़े हुए हैं, समाजवादी विचारधारा के लोग, कई नाटकों का मंचन हमने किया है, जैसे रोमियो जूलियट हो, चाहे देख रहे नैन हो, चाहे इतना हम तुम्हारे रहे, ये सब नाटक हमने किया है, परफॉर्म किया है। तो आप लोग का आशीर्वाद रहा है? नहीं, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है और भी विभिन्न प्रकार का आशीर्वाद रहेगा। आज तो ये छिटपुट मुलाकात हो रही है जो माध्यम, और ऐसे भी हम आपको जब तक मेरा जीवन है मैं अंतिम खूबसूरत पल तक मैं लोगों कहता रहता हूँ भाई आप कई बार तुमको बोला ना देखो ये है आलोक कुमार जी है, ये बिहार के पहले फर्स्ट ब्लॉगर हैं, और साहेब अली वाला भी माशाल्लाह से दे आर ऑल्सो डूइंग वेरी गुड जॉब। ये हाँ, तो बड़ी खुशी होती है बिहार में जिस तरह से आप लोग दिखाते हैं, हर जगह अगर आप जाते हैं तो वो मानसिकता रुझान आपकी परसेप्शन नहीं बदल रही है वो बात, और बिहार को विकास करवाने वाले दिन और बस पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते जाना है, और ऐसे ऐसे बड़े लोग अगर आशीर्वाद देते रहेंगे बिहार वालों को, खासकर जो लोग रहते हैं एक बार वो सही बोलते हैं शाहवाद आइए एक बार बिहार, आइए एक बार बिहार, तो बिहार में बहार है जब से ये प्यारी सरकार है, प्यारी जी सरकार है। और बता दें इथेनॉल का फैक्ट्री आज लगा है, लेकिन इसके लिए प्रयास नीतीश सरकार वन ही प्रयास किया था, उसका डॉक्यूमेंट्री भी हम लाके बनाए थे, और इथेनॉल नीतीश जी का और सुशील कुमार मोदी और जो लोग हैं, हाँ इन लोग के फैन फॉलोवर विदेश में बहुत है, नीतीश जी को और जो भी उनके कैबिनेट में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, ठाकुर जी हैं, नीरज ठाकुर जी हैं, अशोक चौधरी जी हैं, और लोग भी शनवाज हैं, दो बार वर्किंग जीतन राम जी हैं, जैसे उनको बहुत अच्छा काम है, मैं एज ए बिहारी उन पर मैं सैल्यूट करता हूँ, और बिहार के लिए हमेशा कुछ वेलफेयर चाहता हूँ बिहार का डेवलपमेंट। आज गांव से आप पटना लौट सकते हैं, कल रात में ऐसे जगह पे हम लोग गए हुए थे जहाँ से लोग अगर आज से 10 साल पहले जाते तो लोग ये कहते कि रुक जाइए कहाँ जाइएगा, लेकिन वहाँ से एक घंटे में हम पटना पहुँच गए, इतना इंटीरियर में गए हुए थे। तो अब अगर ये जैसा कहा इन लोगों का सहयोग और जो अभी सरकार आप तो जिस पद पर जाते हैं जो मार्ग रहता है और वहाँ से आपसे तो दर्शन करते हैं, कच्ची कच्ची टूटी फूट की सड़कें जो हाईवे आप दिखा रहे हैं मकामा से वो बड़ी बात जी भाई, शरीफ में आप 8 बजे 7 बजे नहीं आ सकते, तो आज जी आप गया भाई आप रात में आ सकते हैं, गया के बारे में आपको सुपौल से भी नहीं रात में आ सकते, नहीं आ सकते आज आ सकते बारह बजे आज सुने कि सुपौल गए 440 किलोमीटर गाड़ी आना जाना, हम आ गए 6 बजे चले रात के 11 बजे पहुँच गए, रोड भी सब जगह नहीं बहुत
पीना चाहता हूँ, एक कप चाय हो जाए। बिल्कुल एक कप चाय जरूर पियेंगे सर, और वाइंड अप कर लेते हैं। दोस्तों इनके जैसे कई लोग हैं जो हमें प्यार करते हैं, इनकी बातों से तो यही लगता है, अपने साथियों का नाम भी इन्होंने लिया है। तो सच बताएं, भले हम रुपया नहीं कमाए हो, पैसा नहीं कमाए हो, अपने घर का आटा गीला किए हो, लेकिन ब्लेसिंग और दुआएं बहुत मिली, यही मिला है। और अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे, भगवान जो भी है, ईश्वर जो कह दिए, परमेश्वर जो सुपर पावर, जो सुपर पावर, तो वो आपको हमेशा और उन्नति दे। और ऐसा इंद्र बना के जो बिहार में अब हैं बिहार के, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अपना बिहार रॉकेट बनेगा, रॉकेट बनेगा बनेगा, मतलब कि रॉकेट की तरह तरक्की करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो आपको लगातार बिहार के बारे में, बिहार के विकास के बारे में, बिहार में हो रहे कामों के बारे में अपडेट देते रहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और नीरज जी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वो भी रोजगार से संबंधित वीडियो दिखाते रहते हैं।